हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। पिछले वीडियो में हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था और उसकी दो फॉर्म्स हमने कर ली थी, तो 0/0 और ये ∞/∞। आज जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है वो है 0×∞ वाली फॉर्म। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है 0×∞। तो देखो, इस तरह की फॉर्म्स आएंगी कि मान लो हमें लिमिट निकालनी है x टेंस टू a पे एफ एक्स और जी एक्स की। ठीक है, और जहाँ इनकी सेपरेट लिमिट एफ एक्स की मान लो 0 आ गई और लिमिट जी एक्स की कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तब ये टोटल फॉर्म कैसी हो जाएगी, 0×∞। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि अगर हम लिमिट निकालना है x टेंस टू a, तो ये एफ एक्स है और जो जी एक्स है इसको कैसे लिखना है, 1/1 जी एक्स। तो ऊपर 0 और नीचे 1/1, ये कैसे बन जाएगा, इन्फिनिटी 1/∞ 0। तो ये फॉर्म बन जाएगी 0/0। तो अब हम यहाँ आसानी से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये एग्जांपल देख लो, ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये, प्रगति की बुक में x log x। ठीक है, इसका अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं तो 0×log 0 कितना होता है, log 0 होता है -∞। जब बेस कैसा हो, उसका बेस 1 से बड़ा होता है, तो जैसे जैसे 0 की तरफ को जा रहे हैं वैसे वैसे -∞ की तरफ को। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 0×∞ वाली फॉर्म। अब किसी एक फंक्शन को नीचे लाना है, तो मैं पहले अपना जो इन्फिनिटी आ रही थी उसको नीचे लाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x एज इट इज, इसको लिख सकता हूँ 1/log x। ठीक है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब कौन सी फॉर्म बन रही है, 0, तो ऊपर बन जाएगा 1/log 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, 1/∞ 0। तो ये फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म। तो ये ऊपर अलग डिफरेंशिएशन बाय एल हॉस्पिटल रूल और नीचे का अलग, तो इसका -1/log x का होल स्क्वायर ∗log x का 1/x, तो ये सब ऊपर पहुंच जाएगा। तो दोबारा से लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। लेकिन अभी तक तो ये log x था, अब स्क्वायर हो गया, यानी इस फंक्शन को नीचे लाने का कोई फायदा नहीं रहा, तो मैं लाऊंगा इसको x को नीचे। तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा log x/1/x। अब कौन सी फॉर्म बन रही है, -∞/∞। डिफ्रेंशिएट करो तो लिमिट x टेंस टू 0, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x2। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस का x2/x, तो कितना बचा, -x इक्वल टू कितना आया, 0। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे, इसका ये देख लो एक्सरसाइज फर्स्ट में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। (2)(sin a/2)x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2×(x) (sin a/2)x। ठीक है जी, ये है। अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी रखूँ तो 2×∞ बताया था, कोई भी नंबर जब a 1 से बड़ा होता है तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। 2×∞ (∞)(sin a/2)∞ कितना हो जाएगा, 0 sin 0 0। तो कैसी फॉर्म बन गई, (∞×0) यानी 0×∞ वाली फॉर्म। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, किसी एक को नीचे लाना है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अपने मन से 2×x को नीचे लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
ऐसे ऐसे लेना तो साइन ए अपॉन टू की पावर एक्स, और ऐसा लिख सकता हूँ कितना 1 अपॉन टू की पावर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन ए अपॉन इन्फिनिटी, तो साइन जीरो, तो जीरो बटे जीरो फॉर्म, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी जीरो हो जाएगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो तो इसका हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर ए एज इट इज, और टू की पावर एक्स का ये जाएगा टू की पावर माइनस एक्स, और लॉग टू माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस वन। ऐसे ही नीचे टू की पावर माइनस एक्स है तो टू की पावर माइनस एक्स का टू की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग टू और माइनस एक्स का माइनस वन, तो इससे ये पूरा कर जाएगा, ऊपर कितना चाहेगा ए, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी cos a upon 2 की पावर x into a। अब x tends to infinity पे a upon infinity यानी cos 0, cos 0 कितना होता है 1 into a, कितना आ जाएगा a, यह है आंसर। तो अभी हमारी तीन फॉर्म कंप्लीट हो चुकी हैं, 0 बटे 0 फॉर्म, infinity upon infinity एंड 0 into infinity। नेक्स्ट वीडियो में मैं infinity minus infinity फॉर्म को कवर करूंगा या फिर और 0 की पावर 0 को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।